हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, लॉकडाउन के पश्चात नए शैक्षिक सत्र में शिक्षण कार्य बेहद कठिन होने वाला है। अब सामान्य तरीके से शिक्षण कार्य नहीं किया जाएगा, उसमें बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं। आप सभी को पता है कि हमारी सरकार प्राथमिक शिक्षा के प्रति बेहद गंभीर संवेदनशील है, और इसके लिए शासन ने हमें 3 मॉड्यूल दिए हैं, और वो तीनों मॉड्यूल एक दूसरे के पूरक हैं। नए शैक्षिक सत्र में किस प्रकार का शिक्षण कार्य किया जाएगा, पूरा का पूरा विवरण उसमें लिखा हुआ है, उसका आप लोग अध्ययन कर लीजिए। इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं कि नए शैक्षिक सत्र में कैसा होगा शिक्षक डायरी का प्रारूप, कितने होंगे पेज, क्या होगी विषय वस्तु। अध्यापकों के लिए शिक्षक डायरी अनिवार्य कर दी गई है। सभी शिक्षक अपनी डायरी मेंटेन करेंगे, और डायरी में क्या क्या चीज़ें होंगी ये हमारे तीनों मॉड्यूल्स में उल्लिखित है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं और आपको बताता हूं कि शिक्षक डायरी का प्रारूप क्या होगा, उसमें कितने पेज रखने होंगे और क्या होगी उसकी विषय वस्तु। मित्रों, यदि नए शैक्षिक सत्र में आप बिना किसी कठिनाई के शिक्षण कार्य करना चाहते हैं तो अभी समय है, और अपने आप को जो है उसके लिए तैयार कर लीजिए। इसीलिए शासन ने समय पूर्व आपको मॉड्यूल्स उपलब्ध करा दिए गए हैं, ताकि मॉड्यूल में जो बातें लिखी हैं उनको पढ़ करके आप नए शैक्षिक सत्र के लिए तैयार हो जाइए, अन्यथा नया शैक्षिक सत्र आपके लिए होने वाला है बहुत ही कठिन। जब सत्र चालू हो जाएगा उस वक्त उस समय आप अपनी डायरी नहीं बना सकते हैं, इतना समय आपके पास नहीं होगा। इसलिए डायरी में बहुत सारी आवश्यक चीज़ें होती हैं जिनको आप समय रहते पहले से ही अपनी एक डायरी मेंटेन कर लीजिए। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि शिक्षण योजना का निर्माण कैसे करेंगे, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के स्कूल हों या हिंदी मीडियम के स्कूल हों, दोनों के लिए मैंने शिक्षण योजना का निर्माण कैसे करें इसके लिए मैंने यहाँ पर नमूने दे रखे हैं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करें। इसके पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, दूसरे मित्रों को शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिल सकें। तो आइए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपको इस बात पर ध्यान देना है कि आप इस गर्मी की छुट्टी में अपनी एक शिक्षक डायरी बना लें, और शिक्षक डायरी के मुख्य पृष्ठ पर यानी पहले पृष्ठ पर ये सूचनाएं आप अंकित करेंगे। शैक्षिक सत्र, शिक्षक शिक्षिका का विवरण, शिक्षक शिक्षिका का नाम, विद्यालय का नाम, विकास खंड का नाम, मोबाइल नंबर, जनपद, ईमेल आईडी, यानी अपनी जो है पूरी सूचनाएं आप डायरी के पहले पन्ने पर अंकित करेंगे। उसके बाद के पृष्ठों पर क्या आएगा आगे देखिए। उसके बाद के पृष्ठ पर आपको जो है ये राष्ट्रीय प्रतिज्ञा लिखनी है। भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। ये प्रतिज्ञा हिंदी में है और ये इंग्लिश में भी है, उसको भी देखें। ये प्लेज है
इसको प्रतिदिन बच्चों को प्रार्थना सभा में करवाना है। इंडिया इज़ माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यानी उसके बाद आप ये प्रतिज्ञा लिखेंगे। उसके बाद आप ये जो प्रार्थनाएं हैं, झंडा गीत है, ये सारी चीज़ें शिक्षण संग्रह में दी हुई हैं, इनको भी आप डायरी में स्थान देंगे। उसके बाद ये प्रार्थना है, आए हैं हम दूर दूर से सबको यह समझाने इंसाफ की डगर पे। फिर ये है मोटिवेशनल सॉन्ग, हिम्मत हारे मत बैठो, इसे भी आपको अपनी डायरी में स्थान देना है। संपूर्ण विश्व रत्नम, हमारा तुम्हारा वतन एक ही है, इसे भी डायरी पर स्थान दीजिए। हम सब भारतीय हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसे भी आपको डायरी के पन्नों पर जगह देनी है। हे जग त्राता, देश गीत न हो साथ कोई, अकेले चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी, इसे भी आप अपने डायरी के पन्ने पर स्थान दीजिए। फिर सर्वधर्म संभाव प्रार्थना, तू ही राम है, तू रहीम है, इसे भी स्थान देना है। देश हमें देता है सब कुछ, इसे भी आपको डायरी के पन्ने पर लिखना है। फिर ये प्रार्थना, वह शक्ति हमें दो दया निधे, हर देश में तू, हर वेश में तू, इसे भी डायरी पर आपको अंकित करना है। उसके बाद डायरी पर आप अंकित करेंगे उच्च प्राथमिक स्तर दो शिक्षक पर आधारित, ये जो टाइम टेबल दिया हुआ है इसको जो है आप अंकित करेंगे। अगर आपके विद्यालय में उच्च प्राथमिक स्तर हैं, दो शिक्षक हैं, तो आप जो है इस टाइम टेबल को जो है फॉलो करेंगे। अगर उच्च प्राथमिक स्तर तीन शिक्षक हैं, तब आप इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर चार शिक्षक हैं, तो आप ये टाइम टेबल फॉलो करेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पांच शिक्षक हैं, तो आप ये टाइम टेबल फॉलो करेंगे। प्राथमिक स्तर दो शिक्षक अगर हैं, तो आप अपनी डायरी पर ये टाइम टेबल लिखेंगे। प्राथमिक स्तर तीन शिक्षक हैं, तो ये टाइम टेबल आपको डायरी पर लिखना है। प्राथमिक स्तर चार शिक्षक पर आधारित टाइम टेबल है ये, अगर आपके विद्यालय में चार शिक्षक हैं तो ये टाइम टेबल लिखेंगे। प्राथमिक स्तर पांच शिक्षक पर आधारित टाइम टेबल है, अगर आपके विद्यालय में पांच अध्यापक हैं तो आप इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे। उसके बाद ये है प्रातःकालीन सभा, प्रार्थना सत्र का दैनिक स्वरूप। प्रतिदिन प्रार्थना सभा में किन किन चीज़ों के लिए कितना समय देना होगा और प्रार्थना सभा में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, इस प्रारूप में लिखा हुआ है, इसे भी जो है आप अपनी डायरी में स्थान देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिन वाइज ये डिवाइडेड है और समय वाइज भी डिवाइडेड है, चार मिनट, तीन मिनट, दो मिनट, तीन मिनट, इस तरह से करके है ये। शारीरिक सक्रियता की गति, प्रार्थना, उद्घोष, प्रतिज्ञा, प्रेरक प्रसंग, समाचार वाचन, समान ज्ञान वाचन, स्वास्थ्य व अन्य जागरूकता चर्चा, संवाद, कम्युनिकेशन, प्रोत्साहन की गति, आवश्यक निर्देश व सूचनाएँ, राष्ट्रगान। तो ये हमारी प्रातःकालीन सभा प्रार्थना पत्र का दैनिक स्वरूप है, इसे भी आपको अपनी डायरी पर स्थान देना है। उसके बाद ये है सांध्यकालीन सभा तथा उसकी कार्य योजना। सांध्यकालीन स्कूल छूटने के 30 मिनट के पहले आपको जो है इस तरह से क्रियाकलाप कराने हैं, समूह गान, सामूहिक व्यायाम, योगासन, क्विज प्रतियोगिता, साप्ताहिक गतिविधि, खेल, हिंदी। फिर मंगलवार को अलग है, शुक्रवार को अलग है, बृहस्पतिवार को अलग है, इस तरह से आप देख रहे हैं। आप जो है ये जो प्रारूप है इसको आप शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में जा करके आप ये सारे प्रारूप वहाँ से आप अच्छे से देख पाएंगे और इसे अपनी डायरी में स्थान देना है। उसके बाद ये प्रमुख जयंतियों एवं दिवस की जानकारी, जयंतियों एवं दिवसों की जानकारी, ये भी जो है पूरे वर्ष में कितनी जयंतियां हैं, कितने दिवस जो मनाए जाने हैं, ये भी जो है आपको अपनी डायरी में इनको स्थान देना है और ये भी आपको शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में आपको मिल जाएगा, लेकिन आप इसे अपनी डायरी में स्थान देंगे।
ये बाल संसद का प्रारूप है, आपको इस प्रारूप पर बाल संसद का गठन करना है तथा इस प्रारूप को और चुने हुए सदस्यों का नाम आदि अपनी डायरी पर जो है एक पन्ने पर लिखेंगे, इसे भी आपको अपनी डायरी पर स्थान देना है। मंत्रिमंडल का स्वरूप, गठन एवं समितियां, चुनाव करने के बाद अभी से आप ये हेडलाइन बना लीजिए, जब चुनाव हो जाएगा तो उसके सामने जो है आप उनके नाम लिख दीजिएगा। समितियों के प्रमुख प्रमुख कार्य, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री क्या करेगा, विशेष अवसरों पर विद्यालय में समारोह आयोजित करना एवं महत्वपूर्ण निर्णय लेना। शिक्षा मंत्री क्या करेगा, सभी बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री क्या करेगा, व्यक्तिगत स्वच्छता, परिसर, शौचालय की सफाई पर ध्यान देना आदि आदि। ये जो बाल संसद है इसका गठन करना है और इसे आप अपनी डायरी में स्थान देंगे। फिर सबसे महत्वपूर्ण वस्तु डायरी की यह है, जो अभी तक की डायरीज में देखी गई हैं, इसे भी आपको अपनी डायरी में बनाना है। शिक्षक द्वारा सप्ताह में किए गए शिक्षण कार्य का विवरण, सोमवार से लेकर के पूरा आपका शनिवार तक दिया है। प्रथम वादन, द्वितीय वादन, तृतीय वादन, चतुर्थ वादन, पंचम वादन, षष्ठम और सप्तम, पूरे आठों वादन में आप किस किस कक्षा को पढ़ाए, क्या क्या पढ़ाए, उसको आप संक्षेप में लिखेंगे। ये प्रारूप भी आपकी डायरी में होना चाहिए और ये थोड़े नहीं, अधिक मात्रा में ये प्रारूप आपको चाहिए। देखिए लिखा भी है कि इस प्रपत्र के 50 पृष्ठ शिक्षक डायरी में संलग्न होंगे, यानी ऐसा आपको 50 पृष्ठ आपकी डायरी में होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है शिक्षण योजना का विस्तृत प्रारूप। सबसे कठिन कार्य मित्रों यही है, जिस पर आपको तैयारी करना है और किस तरह से शिक्षण कार्य करना है उसकी आपको शिक्षण योजना बनानी है, ये भी आपकी डायरी में स्थान ग्रहण करेगा। जितनी भी शिक्षण योजनाएं आप बनाएंगे सब की सब आपकी डायरी में रहेंगी। तो शिक्षण योजना का विस्तृत स्वरूप इस तरह से जैसा इसमें दिया गया है, इस प्रारूप पर आप शिक्षण योजना बनाएंगे। दिनांक, कक्षा, विषय, समय, फिर चयनित लर्निंग आउटकम, प्रकरण, पाठ, इकाई का नाम, आवश्यक संसाधन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों, TLM का विवरण। फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं, गतिविधियां, फिर शिक्षण योजना के चरण। चरण पहला चरण है शिक्षण के प्रारंभ में, यहाँ उन बिंदुओं को लिखें जिन पर चयनित लर्निंग आउटकम से संबंधित बच्चों के पूर्व ज्ञान को जानने के लिए बातचीत या गतिविधि करेंगे, साथ ही बच्चों के पूर्व ज्ञान को आधार बनाते हुए चयनित लर्निंग आउटकम पर रोचक ढंग से प्रस्तावना प्रस्तुत करेंगे। और इसके लिए समय 5 मिनट है और इसको आकलन के तरीके हैं, बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित बातचीत, कुछ रोचक गतिविधियां, प्रश्नोत्तर, कक्षा कार्य द्वारा या विगत कार्य दिवस के कार्यों का रिकैप प्रत्यास्मरण करके, इस तरह से आप जो है आकलन भी करेंगे। शिक्षण के साथ साथ आकलन भी करते रहना है। फिर आगे चरण नंबर 2 में देखिए क्या है, शिक्षण के दौरान, यहाँ उन गतिविधियों, प्रयोगों, प्रसंगों, कक्षा कार्यों आदि के बारे में लिखें जिन पर बच्चों के साथ कार्य करेंगे। इसमें इस बात को भी लिखना है कि बच्चों को कब एकल जोड़ी में, समूह में अभ्यास कार्य का अवसर देंगे। यहाँ आप उन मुख्य प्रश्नों को भी लिखें जो आप बच्चों से करेंगे, उन कठिनाइयों के बारे में भी लिखें जो शिक्षण के दौरान आ सकती हैं। इस चरण में सामान्यतया 20-25 मिनट लगना उचित होगा। इस समयावधि को आप अपनी नियोजित, चलिए आगे इसमें फिर आकलन में है, बच्चों के अभ्यास कार्यों का अवलोकन द्वारा, प्रश्नोत्तर द्वारा, गतिविधियों में बच्चों की प्रतिभागिता को देखकर, बच्चों की कापियों को देखकर। इस चरण में समानता 20-25 मिनट लगना उचित होगा। इस समयावधि को आप अपनी नियोजित गतिविधियों, अभ्यास कार्य आदि के आधार पर पुनः विभाजित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी की एक कक्षा में
चलिए उदाहरण के लिए मैं आपको अभी पाठ योजना का एक प्रारूप मैं आपको दिखा दूंगा। फिर अगला चरण है शिक्षक द्वारा पाठ का आदर्श वाचन करना 5 मिनट, बच्चों द्वारा पाठ का सस्वर वाचन करना 5 मिनट, शिक्षक द्वारा पाठ की व्याख्या करना व उसकी गतिविधि करना 15 मिनट। फिर शिक्षण की समाप्ति पर आकलन एवं समेकन 10 मिनट। यहाँ उन बिंदुओं को लिखा जाएगा जिनके द्वारा उपरोक्त शिक्षण प्रक्रिया के उपरांत शिक्षक पाठ्य वस्तु के प्रमुख बिंदुओं को प्रस्तुत करते हुए आज के शिक्षण कार्य को समेकित करेंगे। इसके लिए 3 मिनट का समय है और यहाँ यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चे ने चयनित लर्निंग आउटकम को किस सीमा तक प्राप्त कर लिया है। इसमें आकलन के लिए कुछ सटीक प्रश्न भी होंगे, इसके लिए 4 मिनट है और इसके उपरांत बच्चों को दिए जाने वाले पुनर्बलन व फीडबैक को अंकित करेंगे और इधर आपका जो आकलन है वो अवलोकन द्वारा। उसके बाद फिर जो अगला चरण है वो है प्रदत्त गृह कार्य असाइनमेंट। यहाँ पर बच्चों को दिए जाने वाले गृह कार्यों को अंकित किया जाएगा। फिर शिक्षण योजना पर शिक्षक का स्व आकलन, शिक्षक पूरी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अपने अनुभव व बच्चों के सीखने के तरीकों पर टिप्पणी लिखेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि इस तरह से जो है आपको शिक्षण योजना बनानी है और उसके लिए जो है आपको अपनी डायरी में पहले से शिक्षण योजना बना करके रखना है जिस कक्षा को आप पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि शिक्षक डायरी में इस प्रारूप के 100 पृष्ठ लगेंगे, यानी शिक्षण योजना बनाने के लिए आपकी डायरी में कम से कम 100 पृष्ठ होने चाहिए। फिर नेक्स्ट है फाउंडेशन लर्निंग शिविर दैनिक समय सारणी। जो फाउंडेशन लर्निंग शिविर है या ध्यान आकर्षण शिविर है उसकी ये जो टाइम टेबल दिया गया है इसको भी आप अपनी डायरी में स्थान देंगे, ठीक है। फाउंडेशन लर्निंग शिविर का मतलब वही है कि प्रारंभ में बच्चों का जो टेस्टिंग करेंगे और टेस्ट करने के बाद जो बी और सी ग्रुप के बच्चे हैं उनका अधिगम स्तर कक्षा के अनुरूप लाने के लिए 50 दिनों का ध्यानाकर्षण शिविर या लर्निंग फाउंडेशन लर्निंग शिविर का आयोजन करेंगे। उसकी जो है ये समय सारणी है कि किस तरह से आयोजित आप करेंगे, कौन सा वादन कितने मिनट का होगा, तो इसे भी आप अपनी डायरी पर स्थान देंगे, ये भी आपको शिक्षण संग्रह में मिल जाएगा। उसके बाद कक्षावार विषयवार संपूर्ण कक्षा का आकलन प्रपत्र, कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 आप जिन जिन कक्षाओं में पढ़ाते हैं, जिन जिन जो है विषयों को पढ़ाते हैं उन सभी विषयों के लिए इस तरह से आकलन प्रपत्र बनेगा। पहले आपको जो है सारे चयनित लर्निंग आउटकम लिखना होगा, विद्यालय का नाम है, विषय है, विद्यार्थियों की संख्या ये डालनी है। फिर उसके बाद इस प्रारूप की तरह से आपको बनाना है चयनित लर्निंग आउटकम। ये आपको कहाँ मिलेगा, आपको मालूम है कि आपको प्रेरणा सूची दी गई है, वहाँ से आपको चयनित लर्निंग आउटकम मिल जाएगा, प्रेरणा सूची में दिया हुआ है, ठीक है। और बहुत सारे लर्निंग आउटकम आपको शिक्षण संग्रह में मिल जाएंगे, ध्यान आकर्षण में भी मिल जाएगा। तो मान लीजिए आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं तो पहला जो चयनित लर्निंग आउटकम है आप उसका परीक्षण कर रहे हैं। पहले माह में बच्चे 999 तक की संख्याओं को पहचानते हैं, उन्हें शब्दों अंकों में लिख लेते हैं। अब 50 में से कितने बच्चे अप्रैल में कर पा रहे हैं, कितने मई में कर पा रहे हैं, कितने जुलाई में, कितने अगस्त में, इस तरह से हर महीने का जो है यहाँ पर आप ये आकलन भरेंगे और इसे भी आप अपनी डायरी में स्थान देंगे। बच्चों का व्यक्तिगत आकलन रिकॉर्ड प्रपत्र कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 ये भी विषय वाइज बनाना है और हर बच्चे वाइज को बनाना है। पहला कॉलम क्रम संख्या में देख रहे हैं, क्रम संख्या में आपके जितने आपकी कक्षा में बच्चे हैं उतनी संख्या लिखेंगे। फिर छात्र छात्रा का नाम, ये सारे बच्चों का आप अपने कक्षा के बच्चों का नाम लिखेंगे। उसके बाद फिर इस तरह से ऊपर जो चयनित लर्निंग आउटकम लिखा हुआ है इसको आप लिखेंगे और किस महीने में किस बच्चे ने कौन सा जो है दक्षता प्राप्त कर ली है उसके नीचे उसके सामने जो है महीने का नाम लिखेंगे और इस तरह से जो है इसको भी आप अपनी डायरी में स्थान देंगे।
उसके बाद फिर ये है ध्यान आकर्षण शिविर, साप्ताहिक शिक्षण तकनीकियों के प्रयोग की कार्य योजना। तो मित्रों, ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में ध्यान आकर्षण शिविर की बात कर रहा है, और जो दूसरा जो हमारा मॉड्यूल है आधारशिला, उसमें जो है लर्निंग जो है आउटकम शिविर की बात कर रहा है। तो दोनों एक ही चीज़ हैं, आप इसको भी अपनी डायरी में स्थान देंगे। ये साप्ताहिक है, जो 50 दिनों का ध्यान आकर्षण शिविर लगाया जाएगा, जिसमें कमज़ोर बच्चों को जो है उनके कक्षा के स्तर के अनुरूप लाना है। उन बच्चों के लिए है ये कि पहले सप्ताह में आप क्या करेंगे, दूसरे सप्ताह में क्या करेंगे, तीसरे सप्ताह में क्या करेंगे, इस तरह से एक एक सप्ताह में क्या क्या कार्य आपको करना है, उसके लिए जो है ये कार्य योजना है। ये कार्य योजना भी आपकी डायरी में होनी चाहिए, ये भी आपकी डायरी में स्थान ग्रहण करेगा। फिर नेक्स्ट है प्रेरणा तालिका। प्रेरणा तालिका में आप जिन विषयों को पढ़ाते हैं, जिन कक्षा में पढ़ाते हैं, आप उसके लिए प्रेरणा तालिका बनाएंगे, ये भी अपनी डायरी में बनाएंगे। मान लीजिए कि आप कक्षा एक में गणित पढ़ाते हैं, तो गणित में जो है कितने बच्चे हैं ये ऊपर के कॉलम में देख रहे हैं, स्टूडेंट वन, स्टूडेंट टू, इस तरह से पूरे जो है, मान लीजिए आपकी कक्षा में 30 बच्चे हैं, तो इस तरह से 30 कॉलम आप बनाएंगे। और गणित की जो दक्षताएं हैं, ये भी आप पूरा जो है दक्षताएं यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और दक्षताएं जो है लिखने के बाद आपको जो है ये प्रेरणा तालिका है, आपको जब भी आकलन करेंगे, और अगर आपका बच्चा जो है उस दक्षता में निपुण है, कौन कौन से विद्यार्थी उस दक्षता में निपुण है, तो उसके सामने आप टिक का निशान लगाते जाएंगे। ये जो स्टूडेंट 1, 2, 3, 4 लिखा है, यहाँ पर आप अपनी कक्षा के बच्चों का नाम लिखेंगे। इस तरह से ये भी विषयवार कक्षावार प्रेरणा तालिका बनेगी, ऊपर बच्चों का नाम और इधर बाएं साइड में जो है उस प्रमुख विषय की जो दक्षताएं हैं, जो लर्निंग आउटकम्स हैं, जो संप्राप्ति है, संप्राप्ति का जो लक्ष्य है वो आप पूरा लिखेंगे, और यह आपको प्रेरणा सूची में मिल जाएगा। प्रेरणा सूची में दिया हुआ है, और आपको जो आपका शिक्षण संग्रह है, आधारशिला है, ध्यान आकर्षण है, वहाँ भी आपको दक्षताएं दी गई हैं, वहाँ से भी मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे की जो किताब है, बच्चे की जो पुस्तक है, उसके प्रारंभ में भी जो है लर्निंग आउटकम्स दिए गए हैं, जो वांछित दक्षताएं हैं वो दी गई हैं, उन्हीं दक्षताओं को, सारी दक्षताओं को जो है आप एक लाइन से लिखेंगे और उसके सामने विद्यार्थियों का नाम लिखेंगे, और जो विद्यार्थी जिस दक्षता में निपुण हो जाएगा उसके सामने आप टिक का निशान लगा देंगे। अब आइए आपको बताते हैं कि ये कार्य जो आपको सबसे कठिन लग रहा है कि शिक्षण योजना कैसे बनाएं, तो मैं यहाँ पर जो है एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ। ये बिल्कुल बनी बनाई शिक्षण योजना है, ऐसे ही आपको अन्य विषयों की शिक्षण योजना बनाना है। आपको शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में बहुत सारी शिक्षण योजनाएं प्राप्त भी हो जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर देखिए, एक उदाहरण के लिए कक्षा 2 विषय हिंदी समय 35 से 40 मिनट की शिक्षण योजना मैंने बनाया है। यहाँ पर पहला टॉपिक है लर्निंग आउटकम, ये ऐसे ही आपको बनाना है। लर्निंग आउटकम लिया गया यहाँ पर, बच्चे स्थानीय व मानक भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए बातचीत करते हैं, प्रश्न पूछते हैं एवं अपने अनुभव को साझा कर लेते हैं। इसका मतलब यह है कि यही चीज़ें जो है हमें बच्चे के अंदर विकसित करना है। लर्निंग आउटकम जो पहले से लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों के अंदर वो पहले से है, वही चीज़ हमें बच्चों के अंदर विकसित करना है, ठीक है। तो इस पाठ योजना के द्वारा हम क्या विकसित करेंगे, समझ गए होंगे आप जो है कि बच्चे जो है स्थानीय व मानक भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए बातचीत कर सकें, प्रश्न पूछ सकें एवं अपने अनुभव को साझा कर सकें। अब प्रकरण है पास पड़ोस। प्रकरण का मतलब है किताब का वो शीर्षक, टॉपिक, पाठ का नाम, पाठ पड़ोस। सीखने सिखाने की सामग्री, यानी यहाँ पर TLM क्या है, स्थानीय और मानक भाषा के शब्द कार्ड, स्थानीय और मानक भाषा के शब्द कार्ड आप पहले से बनाकर ले जाएंगे। सीखने सिखाने की प्रक्रिया या गतिविधि क्या होगी, ये भी मैं आपको आगे बता रहा हूँ।
ये पाठ योजना बिल्कुल कंप्लीट है, ऐसे ही आपको लिखना है और ऐसे ही पाठ योजना आपको विकसित करना है, बनाना है। अब शिक्षण योजना के चरण, पहला है शिक्षण की शुरुआत में, ऐसे ही आपको लिखना है शिक्षण योजना में, दी गई सूची में से किसी एक के बारे में बच्चों से स्थानीय भाषा में बात करेंगे, बीच बीच में बच्चों को भी मौका देंगे कि जो देखा या जानते हैं बताएं, जैसे खेती का काम, कपड़े की सिलाई का काम, कपड़े धुलाई का काम, जूता सिलने का काम, फेरी वाले चूड़ी वाले का काम, दुकानदार का काम, चाय वाले का काम आदि। ये समय 5 मिनट के लिए है और आकलन का तरीका प्रतिक्रिया और सहभागिता देखकर, ये आपको लिखना है। प्रशिक्षण के दौरान समय 10 मिनट, शिक्षण पुस्तक में बने चित्र को दिखाते हुए बड़े समूह में नीचे लिखे बिंदुओं पर बच्चों से बात करेंगे, पाठ के चित्र में क्या क्या दिख रहा है, ऐसा क्या क्या दिख रहा है जो उनके गांव में है नहीं है, और इसके लिए 20-25 मिनट का टाइम है, प्रतिक्रिया और सहभागिता देखकर आप उसका जो है आकलन करेंगे। ये बिल्कुल बना हुआ पाठ योजना है, ऐसे ही आपको पाठ योजना में लिखना है। छोटे समूहों में बच्चे पाठ पुस्तक कलरों के पृष्ठ संख्या 12-13 पर बने चित्रों को देखेंगे और आपस में अपने विचार, अनुभव, अनुमान, कल्पना के आधार पर अपनी भाषा बोली में बातचीत करेंगे। शिक्षक बारी बारी से इन समूहों में मदद करेंगे, बच्चों को खुलकर अपनी बात व्यक्त करने के पूरा अवसर देंगे। 5 मिनट का है, आकलन का तरीका प्रतिक्रिया और सहभागिता देखकर। शिक्षक बच्चों के उत्तर बातचीत में आए स्थानीय भाषा बोली के शब्दों को बोर्ड पर लिखकर उनके मानक रूप भी बच्चों की मदद से लिखेंगे और पुनरावृत्ति कराएंगे। बच्चों को प्रश्न पूछने का भी मौका देंगे। शिक्षक बोर्ड पर लेखन कार्य करेंगे। स्थानीय शब्द पत्तई भाटा, मानक शब्द पत्ता एवं बैगन, और आकलन के लिए अवलोकन के माध्यम से आप इसको अवलोकन करेंगे। फिर शिक्षण के बाद में क्या करना है, शिक्षण के बाद में समय 5 मिनट, प्रत्येक समूह के एक एक बच्चे को अपने छुट्टी के दिनों या किसी रिश्तेदार जैसे मामा जी के घर में बिताए गए समय के अनुभव सुनाने को कहेंगे और अवलोकन में प्रतिक्रिया और सहभागिता देखें। समूह कार्य, 2 समूहों में शब्द अंतराक्षी कराएंगे, एक समूह मानक शब्द और दूसरा समूह स्थानीय शब्द, या स्थानीय व मानक भाषा के शब्द कार्डों का मिलान करने को कहेंगे, या शिक्षक बोर्ड पर कुछ चित्र बनाकर जैसे अमरूद, बकरी, पत्ता, चूहा, तोता आदि बच्चों से पूछेंगे, बच्चे उत्तर देंगे या शिक्षक उसी का मानक शब्द साथ में लिखेंगे। शिक्षक बच्चों के बोले गए स्थानीय शब्दों को डायरी में दर्ज करेंगे जिससे अगली योजना में सहायता मिल सके। तो मित्रों, इसमें बार बार जो शब्द कह रहा शिक्षक ऐसा करेंगे, शिक्षक ऐसा करेंगे, तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, किसी पाठ के अनुरूप आप जो है क्या करेंगे, तो वहाँ पर भी आप जो है लिख देंगे अध्यापक के कार्य। अध्यापक के कार्य, बार बार शिक्षक या अध्यापक नहीं लिखना है, एक बार लिख दीजिएगा अध्यापक के कार्य और उसके बाद आप क्या क्या करेंगे उसको आप जो है लिखते चले जाइएगा, लेकिन चरण यही होंगे जो चरण यहाँ पर दिया जा रहा है। प्रदत्त कार्य, गृह कार्य, असाइनमेंट, कार्य पुस्तिका की गतिविधि किसके पास जाओगे को गृह कार्य के रूप में बच्चों से घर से करके लाने को कहेंगे। ये उसी पर्टिकुलर पार्ट की है जो शुरू में आपको प्रकरण दिया गया था, उसी पार्ट की जो है ये शिक्षण योजना है। फिर बिल्कुल उसी राह पर यहाँ पर मैं एक लेसन प्लान जो है इंग्लिश का भी लेकर के आया हूँ, सब कुछ वैसा ही है, बस इसमें यह है कि सारी बातें इंग्लिश में लिखेंगी, ठीक है। क्लास, सब्जेक्ट, टाइम, लर्निंग आउटकम, टॉपिक, रिक्वायर्ड मटेरियल, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब डायरी के आखिरी में मित्रों ये भी आप अंकित कर लीजिएगा, कक्षा शिक्षण के दौरान इन्हें ध्यान रखें, डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है, इस बात को भी आप डायरी के आखिरी पेज में जो है आप इसको लिख लीजिएगा कि शिक्षण के दौरान हमें क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है, और इनको पढ़ भी लीजिएगा और इनका पालन भी करना है।
ये 12 बिंदु दिए गए हैं, इनको आप ध्यान से जो है देख लीजिए और पढ़ लीजिए। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि मेरा यह वीडियो आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा, और पुनः आग्रह करता हूँ कि मैं आपके लिए ऐसे ही जो है ज़रूरी वीडियोस बनाता रहूँगा, आपके पास सेंड करता रहूँगा। आप वीडियोस को देखते रहें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और दूसरे मित्रों को शेयर भी करें। तो इस वीडियो में इतना ही मित्रों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।